सबका विश्वास सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। दुनिया के मंच पर मोदी के नेतृत्व में नए भारत ने स्वर्णिम हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया के देशों का एक भव्य आयोजन और उसका प्रयोजन सिद्ध हुआ है। Because of his dynamism and his personal charisma that everybody agreed to have it. 200 घंटे की वार्ता, 300 बैठकें, 15 मसौदे और खास बात ये कि G20 का साझा घोषणा पत्र तैयार हो गया और इसी के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन सफल हुआ। Declaration will come tomorrow, but the good news is it is because of the leadership of Prime Minister Modi, Narendra Modi, there is an agreement for the declaration, and it is because of his dynamism and his personal charisma that everybody agreed to have a declaration, because there was a lot of doubt whether there would be any declaration. But I must thank the Indian leadership, they did an excellent job. कहीं कांग्रेस और उसके आलाकमान के कान में मोदी प्रशंसा के ये शब्द पिघले शीशे की तरह तो नहीं पड़ रहे हो? ये सवाल इसलिए है क्योंकि G20 के आयोजन से लेकर उसके समापन तक जंगी कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की तैयारियों की खूब टांग खिंचाई की थी। दुनिया भारत में थी, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में थे, भारत मेजबान था, देश की साख दांव पर थी, राष्ट्र का मान सम्मान कसौटी पर था और कांग्रेस की हर मुमकिन कोशिश यही थी कि G20 के आयोजन के रंग में भंग की खबरों को तलाशा जाए और सोशल मीडिया पर टांग दे। क्या क्या शिगुफे नहीं छोड़े कांग्रेसियों ने। अब जैसे एक्स मंच पर कांग्रेस की तरफ से पोस्ट की गई इस तस्वीर को ही देखिए, जिसमें पीएम मोदी को टारगेट करते लिखा गया 1 PM 1 Purpose टू सेल द नेशन। ये तस्वीर वास्तव में पीएम मोदी के G20 को लेकर दिए गए 1 Earth 1 Family 1 Future के संदेश की तर्ज पर कांग्रेस ने तैयार की और सोशल मीडिया पर डाल दी। तो क्या वजह है कि G20 के सफल आयोजन से कांग्रेस इस कदर चिढ़ी हुई है कि देश के मान सम्मान से ज्यादा बड़ा उसके लिए मोदी विरोध हो गया है? तो जवाब है G20 के सफल आयोजन के बाद 2024 के चुनाव पर पड़ने वाला इसका असर। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई नेता और उसके एक्स हैंडल से खूब नुक्ताचीनी की गई, कई सवाल खड़े किए गए। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या G20 के सफल आयोजन के बाद कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा है कि ये 2024 के लिए एक चुनाव का एजेंडा बन सकता है, और क्या उसको ये भी लगने लगा है कि 2024 में यदि G20 का सफल आयोजन हो रहा है, पूरी दुनिया भर में देश का नाम बढ़ रहा है, इससे कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 2024 में चुनाव जीत जाएं और पीएम बन जाएं। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष की आलोचना करना है, विरोध करना भी है, पर सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर G20 की तैयारियों का माहौल उड़ाकर लोगों को भड़काकर आखिर कौन सा विपक्ष कर्म कांग्रेस साध रही है? दुनिया हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है, ग्लोबल साउथ नए भारत को लीडर के तौर पर देख रहा है और कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रही है। G20 तैयारियों पर किस किस मुद्दे को नहीं खींचकर मखौल उड़ाया सोशल मीडिया में कांग्रेस ने। शनिवार को अचानक तेज हुई बारिश के बाद पानी से भरे भारत मंडपम की तस्वीर को सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने डालते हुए लिखा, खोखले विकास की पोल खुल गई, G20 के लिए भारत मंडपम तैयार किया गया, 2700 करोड़ रुपए लगा दिए गए, एक बारिश में पानी फिर गया। हालांकि कांग्रेस को फौरन जवाब भी मिल गया। आज की अपडेटेड तस्वीर डालकर किसी ने कांग्रेस को जवाब भी दे दिया, लिखा ये कांग्रेस का विकास नहीं मोदी सरकार का विकास है, एक मुद्दा कांग्रेस को मिला था वो भी छिन गया। आखिर कांग्रेस इतनी अधीर क्यों है, आखिर क्या वजह है
जब पूरी दुनिया भर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम बढ़ रहा है, तो देश की इस उपलब्धि को वो क्यों नहीं मानना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ये लग रहा हो कि 2024 के बाद भी आगे राहुल गांधी का पीएम बनने का जो वनवास है वो जारी रहेगा? G20 पर भारत की तैयारियों को लेकर क्या क्या नहीं लिखा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर। कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो ट्वीट कर G20 समिट के तैयारियों के लिए स्ट्रे डॉग्स के साथ बेरहमी करने का आरोप लगाते हुए ये वीडियो पोस्ट किया गया था। कांग्रेस ने यहां तक लिखा कि डॉग्स को गले से पकड़ा जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है और पिंजरों में फेंका जा रहा है, यहां तक कि उन्हें खाना और पानी तक नहीं दिया जा रहा। लेकिन जल्द ही दिल्ली नगर निगम ने कांग्रेस की इस खबर को फेक न्यूज बता दिया और दावा किया कि जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो दिल्ली का है ही नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर जब G20 के सफल आयोजन पर दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है, तब क्या राजनीति के आगे देश की उपलब्धियां कुछ भी नहीं? क्या G20 तैयारियों पर अपने ही देश का मजाक उड़ाना सही है? गलत खबरों और तथ्यों के साथ आखिर भ्रम क्यों फैलाया गया? तो क्या कांग्रेस की 2024 वाली अधीरता उसे कुछ सकारात्मक देखने ही नहीं दे रही? दुनिया G20 के सफल आयोजन के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है तो G20 की सफलता की बेचैनी कांग्रेस सोशल मीडिया पर निकाल रही है। तो वहीं विदेशों में घूमकर राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी, आरएसएस और मोदी निंदा में व्यस्त हैं। इंडिया दैट इज भारत, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो दीज स्टेट्स, they have got together and formed India or Bharat. And the most important thing is that the voice of all the people who are included in these states is heard loud and clear, and no voice is crushed, intimidated, because I believe that India has an inherent wisdom. विदेश में घूमते राहुल गांधी भारत के संविधान को बांच रहे हैं और वो राज्यों और वहां के लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इमरजेंसी से लेकर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर चुनी हुई सरकारों को गिराने के मामले सबसे ज्यादा कांग्रेस के शासनकाल के ही हैं। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो, कौन है जिन्होंने किया, प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी, वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। सच ये है कि बीते 10 सालों में कांग्रेस के पास न दिखाने के लिए कुछ है, न बताने के लिए कोई मॉडल। रही बात 2014 के पहले के कांग्रेस राज के मॉडल की, तो उसे देश पहले ही नकार चुका है। राहुल गांधी अब नया क्या लेकर आए हैं वो देश से ज्यादा विदेश को बता रहे हैं। व्हाट बीजेपी एंड द आरएसएस आर ट्राइंग टू डू, द हार्ट ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू स्टॉप द एक्सप्रेशन, द पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट्स, other backward castes, tribals and minority communities. And for me, in India, where a Dalit person or a Muslim person, tribal person, upper caste person, anybody is being mistreated, is being attacked, is not the India I want. लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस वास्तव में
कैसा इंडिया चाहते हैं। क्या G20 के सफल आयोजन और ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पर भारत की बनी साख राहुल को सिर्फ इसलिए अखरती है क्योंकि ये साख 2014 के बाद पीएम मोदी ने बनाई है? क्या कांग्रेस को G20 का सफल होना इसलिए चढ़ाता है क्योंकि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर चीन की दावेदारी को सीधी चुनौती अब भारत की तरफ से मिल रही है? G20 का महाआयोजन सकारात्मक ऊर्जा के साथ खत्म हो गया। पिछले दो दिनों में नए भारत को लेकर विश्व की आकांक्षाओं और अवधारणाओं को बहुत ही नजदीक से मैंने देखा है। विदेशों से जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए वो मोदी के नए भारत के दृष्टि और दृश्यम से अभिभूत दिखे। राजनीतिक विरोध अपनी जगह, लेकिन कौन भारतीय G20 सम्मेलन की इन तस्वीरों, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के भारत आने और भारतमय हो जाने की तस्वीरों पर गर्व नहीं करेगा? कौन भारतीय इस महाआयोजन के पूर्ण सफल होने पर फक्र नहीं करेगा? भारत G20 का मेजबान भर नहीं था, बल्कि विश्व मंच पर उभरता वो नायक है जिसके पास दुनिया के देशों के सामने आने वाली कोई भी समस्या का हल है। ये विकसित देशों ने पिछले एक दशक में माना है। मैंने G20 के दौरान राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की वो केमिस्ट्री देखी है जो पीएम मोदी के भावुक व्यवहारिक फॉर्मूले पर कसी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सवाल ये है कि क्या जब दुनिया की निगाहें भारत में हुए इस महाआयोजन पर टिकी हों, अपने ही देश की तैयारियों का मखौल उड़ाना ठीक है? कांग्रेस का एक और ट्वीट है जिसमें लिखा गया है, पीएम मोदी गरीब लोगों को पसंद नहीं करते। इसके साथ ही सड़क के किनारे लगे पर्दों और G20 के पोस्टर की तस्वीर लगाई गई है। कांग्रेस इसी पर सवाल पूछती है कि गरीब लोगों को कवर क्यों किया गया? हालांकि इस ट्वीट पर कांग्रेस को फौरन जवाब मिला, जिसमें 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान छपी खबरों पर कांग्रेस से सवाल पूछा गया था। उस समय भी गरीब बस्तियों को ढकने और भिखारियों को हटाने के मामले को लेकर खबरें सुर्खियां बनी थी, लेकिन कांग्रेस मोदी विरोध की जिस धारा में उतरकर देश की उपलब्धियों तक पर आंख बंद कर रही है, INDIA गठबंधन के दूसरे नेता राजनीति और राष्ट्रनीति में बखूबी अंतर कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित डिनर में INDIA गठबंधन के नेता और बिहार के CM नीतीश कुमार, झारखंड के CM हेमंत सोरेन पहुंचे, तो दूसरी तरफ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस रात्रि। लेकिन INDIA गठबंधन के इन सभी नेताओं में से किसी ने भी G20 की व्यवस्थाओं और तैयारियों को लेकर, क्या G20 के सफल आयोजन और दुनिया में इससे मजबूत हुई भारत की छवि ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है? क्या कांग्रेस को लगने लगा है कि इससे पीएम मोदी की छवि और मजबूत होगी? इससे INDIA गठबंधन के भरोसे 2024 में जातीय खांचों में बांटकर कांग्रेस का सत्ता बनवास खत्म करने का सपना टूट जाएगा? मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भी रिपीट, क्योंकि इतना अच्छा नेता कोई अभी जल्दी भारत को नहीं मिल रहा है। G20 में देख रहे हैं आप कितना अच्छा हो रहा है। चंद्रयान 3 देखा आपने जी, कई जन्म में कांग्रेस न कर पाती। बात सिर्फ 2024 के चुनावों की नहीं है, बल्कि नेतृत्व की है, लीडरशिप की है। और बीते करीब एक दशक में ब्रांड मोदी ने भारत का एक भावनात्मक लेकिन व्यवहारिक रिश्ता दुनिया के देशों से जोड़ा है, जो राष्ट्र चेतना और राष्ट्र चिंता को सर्वोपरि रखता है। तो क्या G20 की लकीर पर 24 का मैंडेट मोदी के पक्ष में लॉक हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।